देशभक्ति जनसेवा यह सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का स्लोगन नहीं बल्कि जनता के विश्वास का एक प्रतिबिंब है। सामाजिक समरसता का आधार है, मानवीय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सुरक्षा का आधार है और इन सब को चरितार्थ कर रहे हैं छिंदवाड़ा जिले के कोयलांचल क्षेत्र जुन्नारदेव थाना के TI ब्रजेश मिश्रा। अवैध कारोबारियों, आरोपियों, अवैध जुआ सट्टा शराब कारोबारियों में हड़कंप का दूसरा नाम है जुन्नारदेव TI ब्रजेश मिश्रा। गौरतलब है कि कोयलांचल थाना जुन्नारदेव अपराधियों का गढ़ के रूप में जाना जाता है। छोटी छोटी बातों में राजनीतिक हस्तक्षेप यहां आम बात है, किंतु अब सब कुछ शांति शांति है। जहां पर जुन्नारदेव की फिजा बदल रही है, शांति का वातावरण निर्मित हो रहा है, आम जनमानस में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ रहा है, इसका एकमात्र कारण है जुन्नारदेव थाना TI ब्रजेश मिश्रा एवं समस्त स्टाफ द्वारा स्थायी वारंटियों की धरपकड़ कर जेल पहुंचाया जा रहा है। जुआ सट्टा शराब में लगाम लगाना और आरोपियों के हौसले परस्त करना, जहां पर आदि ऐसे काम में जुन्नारदेव पुलिस बखूबी अंजाम इनको दे रही है। जुन्नारदेव TI ब्रजेश मिश्रा अपने अल्प समय में ही जुन्नारदेव थाने की कमान संभालते ही जिस ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ काम कर रहे हैं, कहा जा सकता है कि जुन्नारदेव थाने में सब शांति शांति है। जुन्नारदेव थाना क्षेत्र की फिजा बदल रही है। हमारी वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज़ चैनल की टीम से बात करते हुए जुन्नारदेव TI ब्रजेश मिश्रा ने इन सब का श्रेय अपने थाना स्टाफ प्रबंधन के सहयोग, संपूर्ण समर्पण और पुलिस अधीक्षक के उचित मार्गदर्शन को दिया है। देखिए हमारे वॉइस ऑफ राइट्स संवाददाता कृष्ण कुमार भट्ट की यह खास पड़ताल। सर, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अंचल जुन्नारदेव थाना का के आप TI हैं और सर छिंदवाड़ा जिले में सबसे संवेदनशील अगर थाना कोई आता है तो वो जुन्नारदेव है, जहाँ कान्हान क्षेत्र है, WCL है, जुए सट्टे का यहाँ मतलब प्रकोप रहता है। क्या स्थिति है और क्या अनुभव है बताएं आप। जैसा कि आपने कहा कि ये जुन्नारदेव थाना कोयलांचल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, निश्चित रूप से जुन्नारदेव थाना जो है कोयलांचल क्षेत्र में आता है और आज भी यहाँ कोयले की खदानें संचालित हो रही हैं। पर जो आपने कहा कि यहाँ जुआ सट्टा शराब का प्रकोप रहता है, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर और उनके आदेश पर मुझे यहाँ पदस्थ किया गया है। उनके आदेश निर्देश मार्गदर्शन पे हम लोग काम कर रहे हैं और पूरे एक कोयलांचल ही नहीं, पूरे ज़िले में पुलिस जो है अवैध रूप से जो भी गतिविधियां संचालित हो रही हैं उन पे अच्छी कार्रवाई कर रही है और लगातार कार्रवाइयां कर रही हैं। इसके अलावा भी जो लोग समय समय पे अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं उन पर कार्रवाइयां होती हैं और लगातार कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सर, यहाँ पे अवैध कार्रवाइयों के चलते कई बार मतलब कहना चाहिए राजनीति हावी रहती है, यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के नाम आते हैं, नेताओं के नाम आते हैं, ऐसे समय में क्या चुनौतीपूर्ण रहता है आपके लिए? सबसे मुख्य चीज़ तो ये है कि हमें, जैसा आपने कहा कि जनप्रतिनिधि हैं, राजनीतिक लोग हैं, निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी जनता के प्रति उनका दायित्व है। वे समय समय पर जब हमसे जो उचित मुद्दे होते हैं जिनमें पुलिस सहयोग की आवश्यकता होती है, हम सबको साथ लेकर के चलने का काम करते हैं और राजनीतिक लोगों का, जनप्रतिनिधियों का भी हम लोग सहयोग लेते हैं और निश्चित रूप से हमें उनका सहयोग मिल भी रहा है। जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या राजनीतिक पार्टियों से संबंधित लोग हैं, पूरा सहयोग पुलिस को कर रहे हैं। और समय समय पर कई बार ये बात आती है कि लोग अनावश्यक दबाव बनाते हैं, तो ऐसी परिस्थितियां नहीं है, उन्हें हम सच्चाई से अवगत कराते हैं और उनका हमें सहयोग बराबर मिलता है। सर, विगत माह में जुन्नारदेव थाने में एक बड़ा मामला प्रकाश में आया था, 2 करोड़ की धोखाधड़ी और एक जयपुर के चांदी व्यापारी की हत्या का मामला, वो उसका आपने कहना चाहिए समय से पूर्व खुलासा किया, क्या चुनौतीपूर्ण थी और क्या स्थिति थी उस समय? जैसा कि थाना जुन्नारदेव का अपराध क्रमांक 349/21 है, इसमें 9/10/21 को एक घटना हुई थी। सोना चांदी का व्यापारी था, इसके साथ ये दमुआ से लौट रहा था, कोलिया घाट के पास इसके साथ लूट, चांदी की लूट की गई थी और इसकी हत्या कर दी गई थी गोली मार के। इसमें तमाम वरिष्ठ अधिकारियों का हमें मार्गदर्शन निर्देशन घटना के तत्काल बाद से मिलना प्रारंभ हो गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमें मार्गदर्शन दिया, उन्होंने बताया और उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया, उन्होंने टीम लगाई और पूरी टीम ने, साइबर की टीम है हमारी और पूरे जिले की टीम ने मिलकर के काम किया और उसी का परिणाम था कि हमने तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो लूटा हुआ माल था वह बरामद किया और एक जनता में एक विश्वास जागा कि इस प्रकार की यदि कोई घटना करेगा तो वो पुलिस से, पुलिस के शिकंजे से दूर नहीं रह सकता।
अगर क्राइम रिकॉर्ड की बात करें तो सर मतलब कहना चाहिए जिले में ज्यादातर क्राइम जहां होते हैं मतलब उसमें जुन्नारदेव का भी नाम आता है, क्या स्थिति है अभी यहां पे? निश्चित रूप से जैसा कि कोयलांचल का क्षेत्र है यहां पे बाहरी लोगों का आवागमन ज्यादा रहता है, पर अब वैसी परिस्थितियां नहीं है कि यहां कोई विशेष प्रकार का क्राइम हो रहा हो, पर क्राइम तो सभी जगह हो रहा है और होता रहेगा, मगर पुलिस जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे जिले के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनके निर्देशन में पिछले एक साल में पुलिस ने बहुत अच्छा काम भी किया है। अभी आप देख रहे हैं कि लगातार आपराधिक घटनाएं कम हो रही हैं, बहुत कम हो गई हैं घटनाएं, और जो घटनाएं हो भी रही हैं तो वो आरोपी पकड़े जा रहे हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में उनका विवेचना का स्तर भी काफ़ी बहुत अच्छा हुआ है। आप देखेंगे कि सजाएं भी लोगों को पड़ रही हैं, तो इससे आपराधिक तत्व जो है हतोत्साहित हुए हैं। सर अभी एक मुहिम चल रही है मतलब जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से स्थायी वारंटियों को लेकर, उसमें क्या स्थिति है जुन्नारदेव की? स्थायी वारंटों को लेकर के जो मुहिम चल रही है, पूरे पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो हमें निर्देशन मार्गदर्शन दिया है, उस पूरे जिले की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। हमने 25% से ऊपर इस जिले में स्थायी वारंट तामिल किए हैं और जुन्नारदेव में भी हम 10 स्थायी वारंट तामिल कर चुके हैं, और मुहिम के अलावा भी यदि मुहिम नहीं भी चलेगी तो हमारा ये दायित्व है, कर्तव्य है, लगातार ये प्रक्रिया चलते रहेगी। सर जब से आपने कारोबार संभाला है जुन्नारदेव थाने का, तब से मतलब आम जनता में किस प्रकार का विश्वास जागा है, क्या अनुभव है आपके यहाँ के लोग आम जनता के बारे में? यहाँ का थाना जुन्नारदेव ये भोलेनाथ की नगरी है, यहाँ पूर्व में प्रोविजनर PSI में यहाँ रह चुका हूँ वर्ष 2013 में। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, चाहे आम जनता हो, चाहे राजनीतिक लोग हों, जो भी, चाहे व्यापारी वर्ग हो, सभी का पुलिस को पूरा सहयोग मिलता है। अभी भी मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है और सभी के सहयोग से और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन निर्देशन पे हम बहुत अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं टीम भावना। वॉइस ऑफ रेड्स के छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।